This show is entirely fictitious and any resemblance to real persons, dead or alive, places or events is purely coincidental. This show is not intended to outrage, insult, defame or hurt any religion or religious sentiments, or feeling or any person, entity, class or community, and does not encourage to propagate in superstitious beliefs, black magic or witchcraft. Listeners should exercise the discussion. Hello dosto, main Swaraj Sharma lekar hazir hu ek aur horror story aaj aapke liye. Aasha karta hu aapko pasand aayegi. लॉकडाउन का दौर था, करीब 3 महीने बीत चुके थे। बाकी लोगों की तरह राहुल और सीमा भी घर से काम कर रहे थे और घर जैसे मानो जेल बन गया था। ऊपर से उनका 4 साल का बच्चा जिसका नाम आदि, बेचारा इस तरह के माहौल में दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। राहुल और सीमा अपना काम करते या उसको संभालते, परेशानियाँ बहुत थी। बच्चा 4 साल का हो गया था लेकिन अभी भी कुछ ठीक से पढ़ नहीं पाता था। एक तो मम्मी पापा के पास टाइम नहीं और पता नहीं शायद बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो। खैर, एक दिन ऊपर के फ्लोर में रहने वाली रीता अपनी बच्ची के साथ आई। वो लोग भी परेशान थे घर पर बंद रहकर। दोनों बच्चों ने खूब खेला और आदि भी बहुत खुश हुआ। इस तरह कभी कभी रीता और उसकी बेटी घर आ जाती और टाइम पास हो जाता था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब सा हुआ। वो शनिवार था, छुट्टी का दिन। सीमा ने देखा आदि, जो कभी भी अकेला बैठकर नहीं खेलता था, आज अपने आप खेल रहा था। उसने बिस्तर पर अपने खिलौने बिछा लिए, कुछ न कुछ बोल रहा था, जैसे जैसे किसी से बात कर रहा हो। सीमा को अजीब लगा। उसने राहुल को बुलाकर चुपके से देखने को कहा। राहुल ने 2 मिनट देखा और फिर सीमा से कहा, अरे यार, ये तो अच्छी बात है ना, बड़ा हो रहा है, रोल प्ले कर रहा है, फोन पर वीडियो देखता है ना, उसी से सीख रहा होगा। सीमा बोली, लेकिन ये तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए वीडियो देखता है, हम कितना कोशिश करते हैं फिर भी। राहुल ने सीमा को बीच में टोक दिया और कहा, बस करो यार, जस्ट रिलैक्स, ऑल इज वेल, और इस तरह दोनों अपने काम पर लग गए। उसी दिन शाम को आदि, जो खाने के नाम से चिढ़ता था, फिर से खाना खाते वक्त रोने लग गया। सीमा ने बहुत बार प्यार से समझाया तो आदि ने जो बोला वो सुनकर वो चौंक गई। उसने बोला, आंटी बोलेगी तो खाना खाऊंगा। कौन सी आंटी, कहाँ है आंटी? सीमा ने फिर राहुल को बुलाया। राहुल अपने बेपरवाह अंदाज से बोला, ओहो, वो तुम्हारी सहेली है ना रीता, उससे कितना गुल मिल गया है, उसी के लिए बोल रहा होगा। बेटा, आंटी ने बोल दिया है, खा लो अब। आदि अब चुपचाप खाना खाने लग गया था। सीमा ने कुछ कहा नहीं लेकिन दिमाग उसका शांत नहीं हुआ। इस तरह से दिन बीत रहे थे। आदि बदल रहा था, खुद से खेलता था, वीडियो भी ज़्यादा देखने लग गया था, खुद से अकेले में बातें करता था। राहुल और सीमा अपने ऑफिस का काम भी आराम से कर लेते थे। एक रविवार की शाम को राहुल ने सोचा आदि को पढ़ाया जाए, स्कूल एडमिशन का टाइम भी करीब आ रहा है और इसे कुछ भी नहीं आता। राहुल आदि को लेकर बैठा, सीमा भी पास ही बैठ गई। राहुल ने आदि को किताब दिखाई और बोला, बेटा बोलो ए। लेकिन ये क्या, आदि ने तुरंत पूरी ABCD सुना दी बिना रुके, बिल्कुल साफ साफ। अचानक सन्नाटा। राहुल और सीमा एक दूसरे को देख रहे थे। आज राहुल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसने कुछ सोचा और आदि से 1 2 3 4 सुनाने को कहा। और क्या गजब हो गया, आदि ने तुरंत 1 2 3 4 सुना दिया, वो भी 20 तक। उन दोनों के डर का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों ने आदि को पकड़ लिया और राहुल ने पूछा, बेटा तुमको ये किसने सिखाया? आदि ने बाईं ओर देखा जैसे किसी को इशारा कर रहा हो और फिर हंसने लग गया अजीब तरह से। कुछ बोला नहीं।
राहुल ने गुस्से में एक थप्पड़ लगाया तो आदि रोने लग गया। बोला, तुम लोगों को आंटी मारेगी। फिर से बाई ओर देखने लग गया। कौन सी आंटी? वो किसको देख रहा है? ये सोचते हुए किसी तरह वो लोग सो गए। अगले दिन उन लोगों ने रीता को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसे भी अजीब लगा। उसने भी पहले वीडियो से सीखने की बात कही, लेकिन वो आंटी वाली बात पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात को राहुल ने आदि से मैथ्स के सवाल पूछे। आदि ने सब कुछ बता दिया। ये दिल दहला देने वाली बात थी, क्योंकि जब उससे प्यार से पूछा गया तो उसने बोला, आंटी ने सिखाया है, और जैसे किसी से बात करने लग गया। अब वो हर बात पर बोलता, आंटी बोलेगी तो करूँगा, या आंटी तुमको मारेगी। राहुल और सीमा पागल हुए जा रहे थे। धीरे धीरे ये बात पूरी कॉलोनी में फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे। एक दिन दोपहर के वक्त उनके घर एक औरत आई। उसका नाम शोभा था। वो थोड़ी दूर ही रहती थी। उसने भी आदि के बारे में सुना था। बोली, ये सब कब से हो रहा है? आप लोग बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। उन लोगों ने बताया कि 2 महीने से ये सब हो रहा है। शोभा की आंखें खुली रह गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ मिनट में जैसे होश आया हो, बोली, 2 महीने पहले? 2 महीने पहले तो पिछली गली में एक औरत की मौत हो गई थी। राहुल और सीमा चौंक गए। सीमा बोली, तो क्या हुआ? शोभा बोली, वो एक स्कूल टीचर थी। फिर से सन्नाटा, और सिर्फ सन्नाटा। हजारों सवाल, लेकिन कोई जवाब नहीं। थोड़ी हिम्मत आई तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया, आदि की मदद से उस टीचर से बात करने का प्लान। खतरनाक था, पर कोई उपाय नहीं था। सब लोग आदि को घेर कर बैठ गए। राहुल ने बोला, बेटा बताओ, अभी आंटी कहाँ है? आदि बोला, मेरे पास। हिम्मत करके राहुल बोला, बेटा आंटी से बोलो प्लीज़ यहाँ से चली जाए, ये उसकी जगह नहीं है। आदि एक तरफ देखा और रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। बोला, आंटी गुस्सा हो रही है, सबको मारेगी। ये सुनकर सबकी हालत खराब हो गई। सीमा रोने लग गई। बोली, प्लीज़ आप चले जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है, हमसे क्या गलती हो गई। इस तरह बहुत देर तक रोना धोना हुआ। आदि कभी कभी चीज़ें उठाकर फेंक देता था, पर आज उन लोगों ने सोचा, कोशिश करके रहेंगे, रुकेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद अचानक आदि शांत हो गया, आंसू पोंछने लगा, किसी की बात सुनने लग गया और बात बात पर जैसे हूँ हूँ बोल रहा था, गर्दन हिला रहा था। फिर राहुल की ओर देखकर बोला, आंटी जा रही है, और दरवाजे की ओर देखकर बोला, बाय आंटी। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने फिर से पूछा तो आदि ने बार बार बोला कि वो चली गई। अब आदि किसी से बात भी नहीं कर रहा था। दूसरे दिन से उन लोगों ने आदि पर गौर करना शुरू किया तो देखा वो खुद तो खेलता था, लेकिन किसी से बात नहीं करता था, आंटी का नाम भी नहीं लेता था, सब कुछ नॉर्मल सा हो रहा था। राहुल और सीमा ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद एक रात 3 बजे सब सो रहे थे, राहुल की नींद खुली तो लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। बिना उठे ध्यान से सुनने की कोशिश करने लग गया। आदि की आवाज सुनाई दी, और जब राहुल को समझ आया कि वो क्या बोल रहा है तो उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ गई। आदि बोल रहा था, ठीक है आंटी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, हम लोग ऐसे ही हमेशा साथ रहेंगे, तुम किधर भी नहीं जाना। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं YouTube पर, मेरा चैनल है स्वराज शर्मा 1402, और Instagram और Facebook पर मेरी ID है artist.swaraj। तो जुड़िए मेरे साथ और दीजिए अपने वैल्यूएबल कमेंट्स।